हेलो एंड वेलकम इन योर ऑन चैनल टॉपर स्टॉप। आज हम यूपीएससी का एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसका सेकंड पोर्शन करने जा रहे हैं। जीएस का, इंग्लिश का हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आपने इंग्लिश का नहीं देखा तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, दी इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एज स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस के लेखक कौन है। तो इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और ये कौन थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघ, जो कृषक संघ था उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कृषक संगम कहा जाता है, यानी कि जो फार्मर यूनियन था उसको क्या कहा जाता था 1930 में, तो कृषक संगम कहा जाता है। 1930 की बात करें तो 1930 जो है वो क्या, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम कहा जाता है। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो यूपीएससी के में जो टॉपिक दे रखा है वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, 2422 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्या है इसमें, कि वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव पर स्थापित करना चाहता था, तो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथोपिया दिवस क्यों मनाया था। इथोपिया दिवस इसलिए मनाया था क्योंकि इस दिन जो इटली था उसने इस पर आक्रमण किया था और इसने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, इसलिए 9 मई को जो कांग्रेस था उसने इथोपिया दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्या है, ब्रिटिश इंडिया काल के असम के बारे में कौन सा कथन सही है। ये कथन हमारा कौन सा सही है, ये बंगाल जो था असम से 1974 में अलग हुआ था, तो इससे रिलेट करके हम जो भी पूरा बोल रखा है उसको हम सही कर सकते हैं। तो पूरा क्या कह रखा है इसके बारे में, कि 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया, दोनों को कंबाइंड करके क्या बना दिया था, कि इसको असम बना दिया गया था। इसे 1874 से पहले असम और बंगाल एक थे लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया था 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी, की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने, इसका जो मेन मोटिव था इसका सेल्फ गवर्नेंस और फुल इंडिपेंडेंस था। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। 27 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कि आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था, ये इसका क्या है, इसके बारे में कथन सही नहीं है, बाकी सही है वो पढ़ लेते हैं हम। इस आंदोलन में बहुत सी बड़ी संख्या में मध्य वर्ग ने, जो मिडल ग्रुप था उसने भाग लिया था, और दूसरा अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी। जो डी ऑप्शन है वो क्या है, असहयोग आंदोलन के साथ साथ जो बाकी जो छोटे छोटे जो आंदोलन थे उनको भी काफ़ी सफलता मिली थी, क्योंकि लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, सबको अल्टीमेटली फाइनली क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो जितने भी इस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए थे वो सब एक साथ हो गए थे, तो बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे, जो आंदोलन थे, जो अभियान थे, उन सबको भी इसी के साथ सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था। तो कौन सा कारण जिम्मेदार था, ऑप्शन ए कह रखा है कि आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार अहस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी किंतु वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप नीति थी, तो ये भी सही है। यूरोपीय उद्यमियों के संबंध में बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे जबकि भारतीयों को स्वजन परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, ऑप्शन जो सेकंड है वो भी सही है। जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया तब देशीय निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों सही हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इसमें पहला गलत है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा में पहला दूसरा तीसरा तीनों दे रखा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका जन्म तो इसमें इंडिया में हुआ था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम
सेम था, पार्टीशन 1947 में हुआ था, तो उससे पहले ये इंडिया में ही थे बाद में, लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी तो वो क्या पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये इनको क्या क्या कहा जाता है, इनको फ़कर ए अफ़गान कहा जाता है, प्राइड ऑफ पश्तून कहा जाता है, बादशाह खान कहा जाता है, बच्चा खान कहा जाता है, और इनकी बुक थी खुदाई खिदमतगार। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि 1928 में इन्होंने किसका प्रकाशन किया, तो एक मैगजीन का प्रकाशन किया था जिसका नाम था पख्तून, क्योंकि इनका इनका रिलेशन किससे था, पख्तून से था, तो उसी से इनको प्राइड ऑफ पख्तून भी कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने मैगजीन स्टार्ट की थी। लेकिन जो इनकी बुक थी उसको बुक का नाम जो था वो खुदाई खिदमतगार थी। 1928 बोल रखा है तो 1928 से ये पख्तून हो जाएगा, ना कि हम खुदाई खिदमतगार करेंगे। खुदाई खिदमतगार इनकी पुस्तक थी यानी कि बुक का नाम था, और पख्तून जो इनकी मैगजीन थी वो मैगजीन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 32 क्वेश्चन क्या है, किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुकिंग बैक है 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के उसके अनुभवों के बारे में बताती है, तो ये कौन था, धोंडो केशव कर्वे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, धोंडो केशव कर्वे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए। धोंडो केशव कर्वे के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा मैं, कि इनको 1955 में क्या पद्म विभूषण मिला था, और 1958 में इनको भारत रत्न मिला था। ये सोशल वर्कर और राइटर भी थे, तो इसमें इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि स्थापना किसने की थी, तो इन्होंने धोंडो केशव कर्वे ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 30 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल में जाना पड़ा था, तो ये कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपना कार्य पत्रकारिता का कार्य करते करते क्या जेल में जाना पड़ा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में जो फैक्ट है वो क्या है, तो इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, और ये मॉन्टे मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म था 1909 वाला, इन्होंने उसको क्या सपोर्ट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 33 नंबर का जो नेक्स्ट है, हिंदी में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है इसमें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किसके अंडर आता है, ये कल्चर के अंदर आता है, आर्कियोलॉजिकल जो मिनिस्ट्री है ये कल्चर के अंडर आती है, और इसके जो अभी प्रेजेंट में जो इसके मिनिस्टर हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसमें, उस टाइम का क्वेश्चन था, प्रथम महानिदेशक कौन है इसके, प्रथम महानिदेशक कौन थे इसके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी अलेक्जेंडर कनिंग जो इसके थे क्या उस टाइम के क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में सही नहीं है। ये जो सिटीजन है ये हमने लक्ष्मीकांत से पहले करवा रखा है, अगर आपने नहीं किया है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ये सही नहीं है, ए OCI किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृति प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रुकैया का नहीं है, तो कौन सा सुधार इसमें है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, जो मदर इंडिया है ये क्या है इनका, इनकी कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार से रिलेटेड नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है जो 2016 का है, तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए है। करंट के जो है वो नए क्वेश्चन पूछते हैं, ये पुराने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन का हकदार हैं, ये ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों में की नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह थे, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 38 नंबर, बालता श्रम अथवा बेगार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से, हाँ ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 है उसमें से जो 23 है वो इसी से रिलेटेड है, शोषण के विरुद्ध जो टोटल 24 है
आर्टिकल वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, मतलब कि अगर 14 साल से कम है उनको किसी कारखाने में लगाया जा रहा तो वो क्या होएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जितने क्वेश्चन दे रखे थे इसमें लास्ट ईयर में 2017 एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सब हमने कर लिए। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।